नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकती है एमसीडी चुनाव की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ मुस्कान पांडे। चलिए बताते हैं क्या है पूरी बात। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारी कर मतदाताओं को लुभाने में लग गई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली राज्य चुनाव योजना द्वारा संबंधित अधिकारियों को वोटर लिस्ट फाइनल कर 6 नवंबर तक रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया गया है। इससे पूरी संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में ही एमसीडी चुनाव की महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है, जबकि दिसंबर महीने में मध्य में एमसीडी चुनाव कराए जा सकते हैं। बता दें कि दिल्ली के सभी 250 वार्ड में मतदाता केंद्रों की लिस्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने गलत तरीके से किए गए परिसीमन को लेकर कोर्ट में दरवाजा खटखटा दिया है, जिस पर 14 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एमसीडी चुनाव को लेकर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अधिकारियों को भी चुनाव के मद्देनजर जल्द से जल्द सभी जरूरी काम पूरे करने के आदेश दिए गए हैं। आयोग के आदेश के अनुसार मतदाता केंद्र की सूची का जो मसौदा तैयार किया जाएगा, 250 वार्ड में पोलिंग स्टेशन साइट का वेरिफिकेशन हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पिछले दिनों दिल्ली के सभी जिलों में रिटर्निंग ऑफिसर को पोलिंग स्टेशन साइट फाइनल कर लिस्ट जमा करने के निर्देश दिए गए थे, जो अब जमा करा दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गत बुधवार राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव की तैयारी को लेकर आधिकारिक तौर पर लेटर में जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग कार्यों के लिए समय की सीमा तय की गई है। फिलहाल दिल्ली के सभी 250 वार्ड में पोलिंग स्टेशन साइट का वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। चुनाव के मद्देनजर टेंडर की प्रक्रिया की तेजी के साथ पूरी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि हमारी भी एमसीडी की यात्रा लगातार जारी है। हमारे भी संवाददाता ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करके एमसीडी की पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग। नमस्कार, देखते रहिए नजर टुडे।